नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसओएसए चैनल में। आज हम एक कंपनी का एनालिसिस करने जा रहे हैं। उसका नाम है ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड। ये जो कंपनी है, ये बेसिकली अपना जो बिजनेस है वो एक लीडर है अपने फील्ड का। कंपनी क्या करती है, जो लेड रिसाइकलिंग है, एल्युमिनियम रिसाइकलिंग, प्लास्टिक रिसाइकलिंग का काम करती है। ये रिसाइकल करते हैं बैटरीज, केबल स्क्रैप, एलुमिनियम स्क्रैप, प्लास्टिक स्क्रैप। मतलब आप समझ सकते हैं, कंपनी का जो बिजनेस का मॉडल है वो फ्यूचरिस्टिक है। कंपनी को बिजनेस भविष्य में आने वाला है, आज भी आ रहा है। एक ग्रोइंग सेक्टर में कंपनी काम करती है, ठीक है। अभी अभी मेन बात, मतलब इसका मार्केट कैप है 17,000 करोड़ का मार्केट कैप है। 70 का पी है, 27 का आरओसी, 33 का आरओई, और फेस वैल्यू 2 का। और एफआईआर ने 2% की अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, एफआईआर ने बढ़ाई है। ईपीएस 61% का, और ये भी बढ़ाया है। ये सारी बातें पे कंपनी अच्छी दिख रही है। अभी मेन बात है इसका चार्ट पैटर्न। तो चार्ट पैटर्न देख सकते हैं, यहाँ पर वॉल्यूम के साथ बाइंग आ रही है। यहाँ से इसने अप ट्रेंड पकड़े है, यहाँ से इसने वॉल्यूम आया है, यहाँ से फिर ब्रेकआउट दे दिया, इसका सपोर्ट लिया। सेम कंडीशन आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसने वॉल्यूम लिया, यहाँ पर इसने अपना वॉल्यूम के साथ इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया, ये सपोर्ट ले लिया। ये सेम कंडीशन हो रही है। जब भी आपको 2400 के पास में मिले, या अगर ये अपना प्रीवियस हाई है 2600 का, इसको ब्रेक करे तो 2600 के पास, इसमें 100% आप बाइंग कर सकते हैं। ईपीएस देखें आप, कंटिन्यूसली बढ़ रही है। देखो कंटिन्यूसली ईपीएस जो है वो बढ़ रहा है। ये देखो ईपीएस बढ़ेगा तो कंपनी ग्रोइंग है, ये समझ जाता है। अभी देखते हैं अपन, सेल्स जो है वो 900 करोड़ का हो गया है, 700 था, पर 700 था। जो मार्जिन है वो 10% का है। ये देखो नेट प्रॉफिट देखे तो 68 करोड़ का है, इससे पहले पिछले साल 59 करोड़ का था, ये बढ़ रहा है। अभी सेल्स देखे ईयरली बेसिस पे 33,000 के, टीटीएम बेसिस पे मार्जिन भी 9% का है, जो कि अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट देखे ये भी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, टेक्निकली भी स्ट्रांग है। नेट कैश फ्लो भी पॉजिटिव है। आरओसी इसका 28% का है, जो थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन अच्छी बात, मतलब एफआईआर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, डीएस ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, प्रमोटर ने तो पब्लिक के पास कम पैसा शेयर है, इस बात से समझ सकते हैं यहाँ से भाव बढ़ेगा। अभी बाइंग करने का है तो इसका थोड़ा 6 महीने का अगर चार्ट पैटर्न देखें अपन, तो 2400 या जो अपना प्रीवियस आया है इसको ब्रेक करेगा तब उसमें बाइंग कर सकते हैं। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कोई और कंपनी का एनालिसिस चाहते तो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। धन्यवाद।